आयुर्वेद समाधान पर आपका स्वागत है। आज हम गुर्दे के रोग के ऊपर विचार करेंगे। गुर्दा संबंधी जो रोग है ये आज बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है और लोग रोज या कोई वीक में 2 बार या कोई दिन 7 दिन में 2 बार कोई 15 दिन में 3 बार इस तरह से गुर्दे के साफ करने के लिए खून को साफ करने के लिए डायलिसिस करवाते रहते हैं। आपको ये रोज देखने सुनने को मिलता है। शरीर के बाहर का हाल तो देखकर पता चल जाता है, लेकिन हमारे शरीर के भीतर क्या चल रहा है ये हमें तब मालूम पड़ता है जब तकलीफ और बढ़ जाती है। हमारे शरीर का सिस्टम कुछ ऐसा ही है कि वो बीमारियों के बाबत पहले से ही संकेत देने लगता है। यदि हम अपने शरीर के भीतर व बाहर होने वाले बदलाव पर नज़र रखें तो आसानी से बीमारियों की पहचान कर उसका तत्काल इलाज करा सकते हैं। हमारे शरीर में मौजूद किडनियों का काम शरीर के टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्वों को छानकर बाहर निकालना है। गलत खान पान या फिर दवाओं के असर से किडनी खराब हो जाती है। कई बार किडनी की बीमारी का पता शुरू से नहीं चल पाता, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। आज हम आयुर्वेद समाधान में आपको बता रहे हैं कि बार बार अगर आपको यूरिन आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको खराब किडनी होने के संकेत हैं। अगर आपको यूरिन करने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और दर्द के कारण यूरिन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपको किडनी का प्रॉब्लम है। यूरिन में खून या झाग आना किडनी की खराबी का संकेत हो सकता है, इसलिए आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। किडनी खराब होने से बॉडी में जमा पानी और नमक निकल नहीं पाते, जिससे सूजन आ जाती है। इस अवस्था को एडिमा कहते हैं। किडनी की खराबी से ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, जिससे एनीमिया और कमजोरी की शिकायत हो जाती है। किडनी की खराबी से शरीर में टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी की खराबी अगर किसी को है तो ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, जिससे मुंह में बदबू आने लगती है। किडनी खराब होने पर ब्लड में पानी और नमक की मात्रा बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किडनी की खराबी से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, जिससे हमेशा सिर घूमना और उल्टी आना जैसा एहसास बना रहता है। यह किडनी की बीमारी का आम लक्षण होता है, जिसमें ऊपर से नीचे तक जोड़ों में दर्द होता है। हमने आपको 10 लक्षण ऐसे बताए हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके शरीर में मेल खाता है तो तुरंत आप डॉक्टर या वैद्य से जाकर अपने शरीर की जांच कराएं, जिससे आप निरोगी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो घरेलू नुस्खों के रूप में हमारे वैद्य जी आज आपको कुछ सलाह दे रहे हैं। अगर उस सलाह पर आप अमल करेंगे तो आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। गुर्दा जो है वो हमारे रोग, हमारे खून के अंदर जो विष जो हो जाता है उस विष को ये साफ करने का काम करता है। खून की असल में जो सफाई होती है वो गुर्दों में ही होती है, तो इसलिए खून की सफाई के लिए आप यदि पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहेंगे तो आपके खून में विकृति नहीं आएगी और गुर्दे की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आप कम पानी पियेंगे तो वो भी गुर्दा रोग का कारण है, तो रक्त के अंदर जो विषमयता है वो बढ़ जाएगी और वो विष गुर्दे रोगों को आप जन्म देगा। इसलिए आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पेशाब की मात्रा कम कर देती है या कुछ चीज़ें ऐसी है जो पेशाब की मात्रा बढ़ा देती है, दोनों ही चीज़ें गुर्दों के लिए घातक है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और पेन किलर आजकल लोग बाग नित्य ले रहे हैं, वो भी गुर्दा को डैमेज करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप उन सब जो एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स इनसे यथासंभव आप बचे रहने का प्रयास करें और खान पान में आप घी, तेल, नमक, अधिक मीठा ये आप बंद कर दें, मैदा की बनी चीज़ें बंद कर दें और अपनी सक्रिय लाइफ स्टाइल को जिंदा रखिए। आसन प्राणायाम करते रहिए, सामान्य रूप में पानी पीते रहें, अधिक बैठे नहीं रहें और अधिक सक्रिय भी नहीं रहें। जब हम दिन भर एसी में बैठते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर से पसीना जो है वो नहीं निकल पाता। पसीना नहीं निकलता तो
तो वो भी एक तरह का हमारा जो शरीर का जो विष है वो तीन चार मार्गों से ही बाहर निकलता है, या तो क्या नाम से मल रूप में, या मूत्र रूप में, या फिर पसीने के रूप में हमारे शरीर के जो विष हैं वो बाहर होते हैं। यदि पसीना नहीं आएगा तो वो हमारे शरीर के जो रक्त के अंदर है वो विष भ्रमण करता रहेगा और धीरे धीरे किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और वो डैमेज हो जाएंगी। तो आप यथासंभव एसी का इस्तेमाल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही करें। निरंतर एसी का इस्तेमाल इस रोग में बड़ा घातक है। आप पसीने भी शरीर में आने चाहिए और पसीना लाने के लिए निरंतर व्यायाम भी करना चाहिए, और जो जो आहार विहार आपको बताया है वो आहार विहार आप करते रहिए, जो इसमें काफ़ी अच्छा लाभ करता है। इसके अलावा गोखरू का क्वाथ इसमें बहुत अच्छा लाभ करता है। दो दो चम्मच की मात्रा में गोखरू दिन में, गोखरू क्वाथ दिन में दिन में तीन बार आप लेते रहिए। हो सके तो पानी की जगह गोखरू क्वाथ ही लीजिए, एक एक दो दो चम्मच धीरे धीरे लेते रहिए। इससे आपकी खून की सफाई भी हो जाएगी और आपके जो गुर्दे हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। कई बार बहुत सूजन आ जाती है शरीर पर और गुर्दे कम काम करने के कारण से ऐसा ही होता है, तो उसमें साठी एक वनस्पति है जिसके अपन लोग कई बार कढ़ी भी बनाते हैं बरसात के दिनों में, या प्रचुर मात्रा में यूं ही उगी रहती है, उसकी दवाइयाँ भी मिलती है। तो साठी की सब्जी बना लें, या साठी को आप उनकी बनी हुई दवाइयों में पुनर्नवा मंडूर एक दवाई है, पुनर्नवासव एक पीने का लिक्विड है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनर्नवा का अर्क भी मार्केट में आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कृपया ये दो चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं। अपने शरीर के वजन के ऊपर ध्यान दें, अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो उस रोग से बचाव का ध्यान रखें। इसके अलावा आप जहाँ तक संभव हो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर ये आप इस्तेमाल नहीं करें। हो सके तो कोई आयुर्वेद की औषधियाँ ही लें। गिलोय भी इस रोग में बहुत अच्छा लाभ करती है और एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करती है। तो आप इस रोग के से बचने के लिए ठीक ठीक मात्रा में पानी पिए, ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करें, नमक मैदा अपने मैदा और घी और आपके ज़्यादा मीठा ये इस्तेमाल में बंद कर दें। धन्यवाद, आज बस इतना ही। आपकी अन्य कोई समस्या हो तो आप आयुर्वेद समाधान पर अपनी समस्या हम तक भेजिए, हम आपका समाधान प्रस्तुत करते रहेंगे। आयुर्वेद समाधान यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और आपकी समस्या हम तक भेजें। धन्यवाद।